नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और हम लाते हैं आपके लिए 100% प्योर स्रोतों पर आधारित स्टडी मटेरियल। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे साथियों। जब आप इसे लास्ट करोगे तो आप जरूर पाओगे कि एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपने हासिल कर लिया, ये हमारी पूरी गारंटी है। इसी उम्मीद के साथ हम पूरी मेहनत के साथ लेके आते हैं आपके लिए टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा, खासकर पैट, OBPCS, RO, ARO और पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हाल में एग्जाम पैट का आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज जो है टॉपिक वो है हमारा कि भाई जो हमारी संस्थाएं हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उनके हेड कौन हैं और उनके मुख्यालय कहाँ हैं, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज की पहली क्लास में कह रहा वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख कौन हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब WFO ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो हेड हैं वो कौन हैं। तो ध्यान रखना डेविस बिस्ली हैं, ये आप देख रहे होंगे डेविस बिस्ली को पूछ लेगा। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना पूछेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने, हाल ही में चेंज हुए हैं और उनका नाम है साथियों साहिदुल इस्लाम। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए साहिदुल इस्लाम। बिम्स्टेक की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है PCS वगैरह में खासकर पूछी जाती है तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं। इसकी स्थापना 1957 में और पैट में इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बताओगे बांग्लादेश के ढाका में इसका क्या है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है साथियों न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष कौन है, तो मार्कोस पेड्रो ट्राइजो। कौन? मार्कोस पेड्रो ट्राइजो, ये आप देख रहे होंगे ये बने और न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। जुलाई 2014 में इसकी क्या की गई थी स्थापना, अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछता है तो संघाई चीन, कहाँ पे है, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही नेक्स्ट है वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन है, किसके सार्क, तो इसके हैं साथियों ये साला रुवान बेराकून। सार्क के फुल फॉर्म की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो काठमांडू में क्या है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो आप देख रहे होंगे मात्सुम अस्कावा। कौन है? मात्सुगु अस्कावा, इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना की बात करें तो 22 अगस्त 1966 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी और फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या है इसका हेडक्वार्टर। मनीला में ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी कहाँ पे है, मनीला में है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों सार्क के महासचिव कौन है, किसके सार्क, तो ये साला ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्तमान में रेड क्रॉस के अध्यक्ष कौन है, रेड क्रॉस, तो पीटर मोरर, आप देख रहे होंगे ये कौन है, पीटर मोरर हैं। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, कब हुई थी 1863 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है, यूरोप के स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है जेस स्टाल्टेनबर्ग, कौन, जेस स्टाल्टेनबर्ग, ये किसके हेड हैं, तो ये नाटो के हेड हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और 4 अप्रैल 1949 कई बार पूछा गया नाटो की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना क्या है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ब्रुसेल्स में इसका क्या है हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। इसके साथ ही नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ICJ भी कहते हैं, ध्यान रखना, तो जोआन डोनो, ये आप देख रहे होंगे जोआन डोनो और इसकी फुल फॉर्म में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हमारे दलवीर भंडारी हैं यहाँ पे। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उन विवादों को यहाँ पे सुलझाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर बार बार पैट में पूछ लिया जाता है, द हेग में है नीदरलैंड में, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो, कौन, जियानी इन्फेंटिनो और फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। 21 मई 2014 को इसकी क्या हुई थी,
स्थापना हुई थी, और ज्यूरिक में क्या है इसका हेडक्वार्टर, ज्यूरिक कहाँ पड़ता है तो आप बताओगे स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है आईसीसी के नए प्रमुख कौन बने, तो इसके नए प्रमुख बने हैं इबो आसूजी, ये आप देख रहे होंगे इबो आसूजी को, और आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है द हेग में है जो नीदरलैंड में पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों फाइड के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आरकेडी बोक राविच, ये मेरे हिसाब से इस बार पैट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पैट में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फाइड की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल एथ, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ से बोला जाता है, विश्वनाथ आनंद इसके हाल में उपाध्यक्ष बने हैं, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका लुसाने में, ये हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो नरेंद्र बत्रा इसके कौन हैं अध्यक्ष हैं, और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसे कहा जाता है, 7 जनवरी 1924 को इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी, और लुसाने में इसका क्या है हेडक्वार्टर, लुसाने कहाँ पड़ता है स्विट्जरलैंड में, तो ये आप देख रहे होंगे नरेंद्र बत्रा हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है इंटरपोल के अध्यक्ष ये पूछे जाएंगे अहमद नसीर अल रशीद, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलती हैं, वर्ष 1923 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों, और लियोन में इसका फ्रांस में क्या है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव कौन हैं, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं गिलबर्ट होंगबो, ये आप देख रहे होंगे गिलबर्ट होंगबो को, और जेनेवा में इसका क्या है स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और वर्ष 1919 में इसकी क्या हुई थी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है यूएनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो ये फ्रेडरिको बने हैं, किसके यूनाइटेड नेशन वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, वुमेन राइट काउंसिल के कौन बने हैं तो फ्रेडरिको बने हैं, 2006 में ये बनी थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है हेडक्वार्टर है, तो ये आप देख रहे होंगे फ्रेडरिको है। इसके साथ ही नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के हेड कौन है, तो अचीम स्टीनर हैं, कौन है अचीम स्टीनर, और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में। इसके साथ ही नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक कौन है, तो नागोची ओकोजी, ये कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है हेडक्वार्टर है, ये ओकोजी को आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट है साथियों ओपेक के महासचिव, तो हेमंत अल घिस, ये आप देख रहे होंगे हेमंत अल घिस हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ये एक संगठन है, ये पेट्रोल की कीमत क्या रहेगी पेट्रोलियम वगैरह की ये निर्धारित करता है, और सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही नेक्स्ट अंतर्राज्यीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख कौन है, फतेह बिरोल, कौन है फतेह बिरोल, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहते हैं इसे, स्थापना 1998 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ है पेरिस फ्रांस में है, ये आप देख रहे होंगे बिरोल को। नेक्स्ट है नासा के प्रमुख कौन है, ये पूछे जा सकते हैं, तो बिल नेंसन है, कौन है बिल नेंसन, नासा को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और ये आप देख रहे होंगे बिल नेंसन को, अक्टूबर 1958 में इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पे है इसका वॉशिंगटन डीसी में है, और ये कहाँ पड़ता है आप जानते ही हो कैपिटल ऑफ यूएसए। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ का महासचिव कौन बना, तो लिम जोक होई को बनाया गया है, किसे ये आप देख रहे होंगे लिम जोक होई, और इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एशियन नेशन, 8 अगस्त 1967 को इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसकी क्या है राजधानी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बनी है, ये कमेंट बॉक्स में आप करके हमें बताओगे। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अध्यक्ष कौन है, इंगर एडरसन, ये आप देख रहे होंगे इंगर एडरसन है, 5 जून 1972 में इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी, नैरोबी केन्या दक्षिणी अफ्रीका का ये देश है, नैरोबी यहाँ पे इसकी क्या है हेडक्वार्टर है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ का महासचिव कौन है, लिम जोक होई, कौन है लिम जोक होई, आप देख रहे होंगे ये लिम जोक होई है, इसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ ए साउथ ईस्ट एशियन नेशन,
और 8 अगस्त को, ये तो मैंने अभी बता दिया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO कह सकते हो इसे, और इनके हेड हैं डेरेन टैंग। ये आप देख रहे होंगे डेरेन टैंग को, 14 जुलाई 1967 को इसकी क्या हुई थी स्थापना, और यूरोप के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रमुख कौन हैं, तो थॉमस बॉच हैं। कौन है? थॉमस बॉच, और इसे कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, और लॉजेन, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख कौन है? राफेल मारियानो ग्रासी हैं, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहते हैं। 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख कौन हैं? तो ये क्यू डोंगयू हैं। कौन है? क्यू डोंगयू, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, रोम में इटली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? किसके, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो डेविड मालपासा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये डेविड मालपासा हैं वर्ल्ड बैंक के। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, और अमेरिका के वॉशिंगटन DC में इनका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन बने? तो एंटियो गुटेरस, ये कई बार से हैं, पुर्तगाल के हैं ये। तो ये इसकी स्थापना की बात करूँ तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बैलेंस करने के लिए। न्यूयॉर्क में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे हैं बोर्ड पे, तो वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे ओजेले। कौन है? आंद्रे ओजेले, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, और फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसे सुंदरियों का देश कहा जाता है या सुंदरियों का शहर कहा जाता है, वहाँ इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो ये है वर्तमान में यूनिसेफ की हेड कौन है? तो कैथरीन रसेल, ये आप देख रहे होंगे कैथरीन रसेल, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके प्रमुख मुख्यालय, ये मैंने आपको बताए और ये सब आपको मैंने भी बताए हैं, ये इसका क्या है, एक प्रकार से समरी टाइप दे रखा है आपके लिए। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है, और ये है आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMO की हेड कौन है? तो क्रिस्टा लीना जॉर्जीवा, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और Washington DC में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। आज का साथियों आपके लिए लास्ट और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पूछा ही जाता है आपसे, पूछ लेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्योंकि कोरोना के समय ये बहुत चर्चा में रहा था, WHO, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं टेड्रोस एडहनम, ये आप देख रहे होंगे टेड्रोस एडहनम, और स्थापना की जब मैं बात करूँ तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। आज के लिए इतना ही साथियों, क्लास अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और सपोर्ट करिए। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।